हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल एंड ऑफ ब्रेक्स। तो मैं आपको पहले ब्रेक का मीन बता देती हूँ कि ब्रेक का मीन होता क्या है। ब्रेक का मीन होता है टूट जाना या रुक जाना। ये हमारा पूरा प्रोग्राम दिया है और उसमें पूछा गया है हमसे कि जो हमारी क्या वैल्यू है वो क्या पूरी तरीके से जी के बराबर है। तो अगर हमारी वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी तो हमारा प्रोग्राम, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा, मीन ब्रेक हो जाएगा। तो अब हम करते हैं, हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू दी गई है एन नव गुरुकुल की वैल्यू है। इसमें हम देखेंगे एन ए वी जी यू इनकी वैल्यू है। तो हम पहले देख लेंगे कि वैल्यू, फिर है कंडीशन, और प्रिंट। ओके, वैल्यू हमारे पास क्या है एन, कंडीशन हमारे पास क्या है वेल इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू जी। क्या एन पूरी तरीके से जी के बराबर है? नहीं। तो ये हमारी कंडीशन है फॉल्स। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एन और हमारा प्रोग्राम आगे कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। फिर ये हो गया ए, ए डबल इज इक्वल टू जी। क्या ए पूरी तरीके से जी के बराबर है? नहीं, ये कंडीशन है फॉल्स। तो फिर हमारा प्रिंट हो जाएगा ए। ओके, फिर हमारे पास v, v डबल इज इक्वल टू जी। क्या v g के बराबर है? नहीं, ये भी कंडीशन है फॉल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रिंट होकर v। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारे पास g, देख लेते हैं g डबल इज इक्वल टू g। क्या g g के बराबर है पूरी तरीके से? तो यह कंडीशन है हमारी ट्रू। हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर हमें कंडीशन ट्रू आ जाती है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहीं पर रुक जाता है, आगे लूप नहीं करता है। ठीक है, तो और हमें आपको ये भी बता दूं कि लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, मीन्स कि घूमना, प्रोग्राम वर्क करते रहना। और जैसे हमारी कंडीशन ट्रू आती है तो वो रुक जाती, लूप रुक जाता है और वो आगे प्रोग्राम कंटिन्यू वर्क नहीं करता है। और जहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू आई वहाँ हमें प्रिंट वैल्यू को प्रिंट नहीं करना होता है, यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाता है द एंड, मतलब हमारा प्रोग्राम रुक गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।